न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सजनवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में चली गोली, पार्षद सहित दो घायल, दोनों घायल मेडिकल कॉलेज रेफर, हालत गंभीर। बैंकों के एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर फ्रॉड करके पैसा निकालने वाले एक शातिर बदमाश को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी क्राइम और सीओ क्राइम ने किया खुलासा। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में छोटे शहर के चमकते सितारों ने साझा किया महानगर से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने का सफर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दुबली गांव के समीप ट्रक और ऑटो की टक्कर में तीन की मौत, सात घायल। चंद्रकांता के याकूब और बॉलीवुड स्टार अखिलेंद्र मिश्र ने कहा, साहित्यकारों का पाठकर्मों से गायब होना है चिंतनीय, गर्त में जा रहा है समाज, हिंदुस्तान का साहित्य मुंशी प्रेमचंद के बिना है अधूरा। चोरी छिनैती लूट जैसी जघन आपराधिक घटनाओं में शामिल चार अभियुक्तों को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी के सामान बरामद, एसपी क्राइम तथा सीओ क्राइम ने किया खुलासा। भाजपा शासन के चार वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग ने आयोजित किया बौद्धिक विमर्श गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार वृद्धि का समाजवादी पार्टी ने किया विरोध, कहा पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए की कमी जनता के साथ है धोखा। पेंशन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन ने किया बैठक, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से मतदाताओं से सीधे जुड़ेगी कांग्रेस पार्टी, बैठक में दिए गए निर्देश। और के बनी माटी के लाल का सेमीफाइनल हुआ संपन्न, 28 को होगा फाइनल, विजेता प्रतिभागी को मिलेगा 25,000 का इनाम।